सापा पगड़ी बांध के दौड़ रहे, मैंने कहा देखो इनका जुनून देखो और इनको खुशी है कि चलो मैं ये चेयर रेस में, उनको बचपन याद आ गया। इसमें हास्य होता है, कुछ मैसेज भी होता है समाज के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ मैसेज होता है। ये शीत महोत्सव सनाडे समाज में 2006 से मनाया जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा मंच है, हम एक दूसरे से हमारे संकोच भी दूर होते हैं। राजसमंद में सनाडी समाज की विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं डेली, महिला पुरुष बच्चे के हर वर्ग के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज चम्मच रेस और महिला पुरुष और बच्चों की अलग अलग गतिविधियां आई हुई। हमारे साथ में समाज की वृद्धिनी जी, मुख्य रूप से ये सामाजिक सरोकार के तहत मुख्य रूप से समाज को एक मंच उपलब्ध करवाना, एक तनाव मुक्त कहेंगे ऐसे कार्यक्रम करते हैं। हाँ जरूर, और सबसे पहले तो सनाडे समाज से हूँ तो मैं बहुत खुश हुई है जो ये शीतकालीन हमारे महोत्सव शुरू हुआ है 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। इसके 7 तारीख और 8 तारीख को बच्चों की क्रिकेट कंपटीशन हुआ, ये लूडो कैरम टेबल टेनिस ये चले, और आज जो है वो महिलाओं और बच्चों का था जिसमें महिलाओं की कुर्सी रेस है और चेयर रेस है, और उसके बाद लड़कियों की अलग हुई है चेयर रेस और बच्चों की अलग हुई। बच्चों में भी 1 साल से 5 साल से ऊपर वालों की भी कुर्सी चेयर रेस प्लस चम्मच रेस हुई है, और इससे काफ़ी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड से मतलब नहीं है, मतलब काफ़ी सभी में ही उदया, काफ़ी मज़ा आया। हाँ खूब मज़ा आया, खूब एंजॉय किया, और हम जैसे कई बार हम दैनिक दिनचर्या में भाग दौड़ में हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते, लेकिन ये एक ऐसा मंच है, हम एक दूसरे से हमारे संकोच भी दूर होते हैं, क्योंकि कई बार हम सार्वजनिक स्तर पर मिलते हैं एक दूसरे में दूरियाँ रहती है, तो इस बहाने हमारे एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, और हम सब एक साथ एक ही मंच पर रहते हैं और एक ही मंच पर प्रतियोगिता होती है और सबको हमारे को प्रोत्साहन मिलता है। अब सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा उसमें आप देखना, और भी अच्छा बढ़ चढ़ के लोग बात करें। ये जो कार्यक्रम मैंने देखा, जब से मैं आया हूँ तब से सबकी मुँह हर एक के ऊपर यूँ मुस्कुराहट थी, भले ही युवा हो बच्चे हो सब मजे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये शीत महोत्सव सनाडे समाज में 2006 से मनाया जा रहा है, और इसमें खेल प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं जिसमें रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, नृत्य है, नाटक है, तो हर बार कुछ ऐसा लेकर आते हैं हम लोग समाज में, जिसमें नाटक में अक्सर मैं ही प्ले करती हूँ, कुछ ना कुछ रोल प्ले करती हूँ, और उसमें हास्य होता है, कुछ मैसेज भी होता है समाज के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ मैसेज होता है, फैंसी ड्रेस होती हैं, काफ़ी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है जो बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग बहुत अच्छे से आनंद लेते सब हैं। मतलब बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक बार एक एक्ट किया था, आपको बताती हूँ मैं, हमने एक बार एक्ट किया था मुगले आजम, जिसमें ब्रजवासी मुगले आजम था, उसमें ये देखिए 17 साल से लेकर 70 साल तक, 70 साल के लोग भी उसमें थे, उसमें उन्होंने खुद ने भूमिका अपनी अपनी भूमिका निभाई है अलग अलग, और उसमें मैंने अनारकली का रोल प्ले किया था, काफी मजा आया। आज भी कुर्सी रेस जो प्रतियोगिता हुई उसमें भी जो सबसे वृद्ध बहुत मैंने देखा वो सापा पगड़ी बांध के दौड़ रहे, मैंने कहा देखो इनका जुनून देखो और इनको खुशी है कि चलो मैं ये चेयर रेस में, उनको बचपन याद आ गया कि चलो ये। अब आज जो मुख्य रूप से जो गतिविधियां हुई मुख्य रूप से पुरुष बालिका वर्ग, और इसमें क्या परिणाम रहे थोड़े से आप बताएं। जूनियर ग्रुप चेयर रेस में जो 13 वर्ष से लगा करके जो छात्राएं थी उनमें से तृतीय रही है, सबसे पहले मैं तृतीय का आपको बताऊंगी, जो थर्ड पोजीशन पे रही है वो है वंश गोविंद जी सन्नाटी की जो सुपुत्री हैं, परिधि सेकंड रही हैं वो रवि जी सन्नाटी की सुपुत्री हैं, और काव्या शैलेंद्र जी ये इनके ग्रुप के हैं। उसमें के बाद छोटे बच्चों का जो हुआ था उसमें दियो है हमारे हितेश जी हैं, उनकी गुड़िया है, दक्षता है कैलाश जी की का बेटा है, हर्षित ये है मुकेश जी, और सीनियर महिला ग्रुप उसमें अन्नपूर्णा शिवरतन जी, दुर्गा दीदी हमारी, और पूजा जी, तरुण जी, ये थर्ड सेकंड और फर्स्ट रहे हैं। उसके बाद जो एक बालिकाओं की प्रतियोगिता हुई जिसमें गुनगुन दीपक जी ये है फर्स्ट, और थर्ड है पलक जी धर्मेंद्र जी, और सेकंड है पायल धर्मेंद्र जी,
ये टोटल आज मुख्य रूप से ये आज के मुख्य कार्यक्रम थे चेयर रेस के। अब चम्मच रेस बच्चों की और हुई है, उसमें चम्मच रेस जो बच्चों की थी उसमें केशवी गोविंद जी, जो हम उनको गोविंदा के नाम से जानते हैं, गोविंद जी, क्यूटी राजा भैया की, और रेयांश राहुल जी वकील साहब की, है ना, 13 वर्ष के जो वो थे थर्ड पोजीशन पे। नव्या राहुल जी वकील साहब की ही बिटिया है, और निकुंज सन्नड जो सपना का बेटा है, और परिधि रवि जी शर्मा इनकी बेटी है। उसके बाद महिला ग्रुप की जो वापस से अभी शायद चम्मच रेस हुई थी, तो उसमें है पूजा तरुण जी, पूजा और ये रवि जी, है ना, उसके बाद खुशबू और राजेंदा वाली, ये तीनों के रिजल्ट रहे, थर्ड है, सेकंड और फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा कि किस तरह का एक सभी में उत्साह देखा गया, हर एक व्यक्ति, हर एक इसमें सहभागी जो बना था, महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो या वृद्धजन, सब में एक उत्साह बरबस ही झलक रहा था। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम समाज को न सिर्फ एकजुट करता है, बल्कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज एकजुटता के पीरों में भी बनता है। इस तरह के आयोजन सन्नाटी समाज की एक पहल थी, निश्चित तौर पर अन्य समाज को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।